नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता जो कलकत्ता में स्थित है और इंडिया के लीड यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की। ये वैकेंसी अभी हाल ही के है, 13 फरवरी 2019 की। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दोनों पोस्ट के लिए निकला हुआ है। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्य हैं तो आपको 60 से 70 हज़ार रुपये मिलेगा। यदि एसोसिएट प्रोफेसर में आप भरना चाहते हैं तो आपको 1.25 लाख रुपये मिलेगा, और यदि प्रोफेसर में आप नियुक्ति होता है तो आपको 2 लाख से ऊपर आपको पेमेंट मिलेगा। यहाँ पर देखिए किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी निकला हुआ है। एंथ्रोपोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2 पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर के 3 पोस्ट है और प्रोफेसर के 2 पोस्ट है। अप्लाइड मैथमेटिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर में 2 पोस्ट है। अप्लाइड साइकोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर के 4 पोस्ट हैं। यहाँ पर देखिए बायोकेमिस्ट्री में 3 पोस्ट है। यहाँ पर बायोफिजिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक में असिस्टेंट प्रोफेसर में 1 पोस्ट है। बॉटनी में असिस्टेंट प्रोफेसर के 4 पद है। केमिस्ट्री में असिस्टेंट प्रोफेसर के 5 पद है। इलेक्ट्रॉनिक साइंस में 1 पद है। जीनेटिक में 1, ज्योग्राफी में 2, जियोलॉजी में 1 और एग्रीकल्चर साइंस में 3 पोस्ट है। मेराइन साइंस में 2 पोस्ट है। फिजिक्स में 2 पोस्ट है। यहाँ पर फिजियोलॉजी में 4 पोस्ट है। साइकोलॉजी में 4 पोस्ट है। प्योर मैथमेटिक्स में 6 पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पर स्टैटिक्स में 2 सीट है। स्टैटिक्स में 3 सीट है। जूलॉजी में 1 सीट है। ये तो साइंस ग्राउंड का हुआ। यहाँ पर आर्ट ग्राउंड्स में देखिए, स्ट्रीम में अरेबिक पर्सियन में 2 सीट है असिस्टेंट प्रोफेसर की। बंगाली लैंग्वेज एंड लिटरेचर में 3 पोस्ट है। बुद्धिस्ट स्टडी में 1 सीट है। इकोनॉमिक्स में 1 सीट है। इंग्लिश लैंग्वेज में 3 सीट है। हिंदी में भी 3 सीट है। इस्लामिक हिस्ट्री में 1 पोस्ट है। लिंग्विस्टिक में 3 पोस्ट है। पॉलिटिकल साइंस में 3 पोस्ट है। संस्कृत में 3 पोस्ट है और सोशोलॉजी में 1 पोस्ट है। इसी प्रकार से साउथ एशियन स्टडीज़ में 2 पोस्ट है। उर्दू में आपका 2 पोस्ट है। बिजनेस मैनेजमेंट में 5 पोस्ट है। कॉमर्स में 3 पोस्ट है। साथियों, ये थी जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी का जो सीट का निर्धारण है, वैकेंसी है। इसके लिए योग्यता जो हम आपको बताते हैं हमेशा, इसके लिए पीजी में 55% का होना बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखिएगा, यदि पीजी में 55% है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। फीस भी जो है, यहाँ पर सामान्य कैटेगरी के लिए 500 रुपया और SC ST के लिए 250 रुपया यहाँ पर आपको बताया गया है। ठीक है, API स्कोर से आपका सिलेक्शन होगा, यानी कि UGC नाम्स के अनुसार से आपका वैकेंसी का जो है फुलफिल होगा, यानी कि सभी मार्क्स को देखा जाएगा। यहाँ पर मैट्रिक, हायर सेकेंडरी के मार्क्स भी देखा जाएगा, ग्रेजुएशन के मार्क्स देखा जाएगा, नेट, JRF, PhD, MPhil, जो भी आप योग्यता रखते हैं वो सारी योग्यताओं के आधार पर सिलेक्शन लिस्ट निकलेगा। ध्यान रखिएगा, आपका इंटरव्यू होगा और इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं आयोजित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सिटी में कभी भी लिखित परीक्षा नहीं होता, बल्कि यहाँ पर जो है केवल इंटरव्यू बेस पर आपके मार्क्स के आधार पर स्क्रूटनी होगा और आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा। यूनिवर्सिटी में हमेशा ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू बेस पर आपका API स्कोर के आधार पर वैकेंसी भरा जाता है। ये थी आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी जो हम आपको बताएं। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।